15 साल से समंदर में क्यों रह रहे हैं आप? इसीलिए कि वहाँ की मखलूक और हम जो ना अभी आपस में एक दूसरे से वास्ते भी हो गए, उधर हम चिपड़े भी काटते रहते हैं। समंदर में चिलरा 40 दिन का भी होता है, 2 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है। वहाँ सुकून होता है, कोई आता नहीं है, कोई परेशान नहीं करता, चिलड़े में खलल नहीं पड़ता। और ये हम किसी को बता भी नहीं सकते क्योंकि इसके जो फिर असरात खत्म हो जाते हैं। आप देख सकते हैं जिन्नातों? हाँ देख सकते हैं, जो नुकसान देते हैं फिर हम उनसे लड़ते हैं। वो अपनी ताकत दिखाते हैं, हम इलम की ताकत दिखाते हैं, इलम हमारा जोर है, वो जिन्नात कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भी अगर चली जाएं दो चार दिन में आ जाएं मेरे पास समंदर में, तो आप भी उनको भगा देंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉग सेंट्रल के साथ मैं हूं हमजरा नजीन। लोग कहते हैं कि काला इल्म जो है वो लोगों की ज़िंदगियां तबाह और बर्बाद कर देता है। माशरे में काला इल्म तेज़ी से बढ़ रहा है। काला इल्म करने वाला और काला इल्म करवाने वाला दोनों ही इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे 80 साल बुजुर्ग से करवाने लगी जो पिछले 15 सालों से समंदर में रहकर इल्म कर रहे हैं। ये किस तरह का इल्म है जो समंदर में रहकर किया जाता है? समंदर में रहकर चिल्ले काटे जाते हैं और इस इल्म के असरात किस तरह के होते हैं? क्या ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं? ये इल्म करवाने के लिए कौन से लोग आते हैं और किस तरह के मसाइल लेकर आते हैं? और ये इल्म करने के लिए समंदर में क्यों रहना पड़ता है? ये सारी बातें जानते हैं आज बाबा जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, 80 साल आपकी उम्र है और 15 साल से समंदर में क्यों रह रहे हैं आप? इसीलिए कि वहाँ की मखलूक और हम जो ना अभी आपस में एक दूसरे से वास्ते भी हो गए, उधर हम चिपड़े भी काटते रहते हैं, उधर ही हम रहते हैं, उधर ही खाते हैं, उधर ही पीते हैं, सब कुछ करते हैं। उधर की मखलूक भी जो है वो हमारे साथ जो है ना बंधी हुई है, कोई नुकसान नहीं करती हमारे को, ना हम उनको नुकसान देते हैं। कुछ शैतान किस्म की मखलूक होती है तो उनसे थोड़ा बहुत हमारा झगड़ा भी हो जाता है, पर हमारा इल्म जो है तगड़ा है, वो हमारे को नुकसान नहीं दे पाते। बाबा जी, ये इल्म जो आप करते हैं किस तरह के मसाइल का हल निकालता है? कौन कौन से मसाइल आप लोगों के हल करते हैं अपने इल्म के ज़रिए? हमारे इल्म के ज़रिए हर मसला हल हो जाता है। आजकल बेरोज़गारी बहुत है, लोग परेशान हैं, घरों में झगड़े लगे पड़े हैं, दुनिया के कारोबार बंद पड़े हैं, उसका भी मसला हल हो जाता है। और जैसे कोई नज़र भी आजकल है, जिन्नात भी लग जाते हैं, या कोई काला इलम पीला इलम, या आजकल बहुत है घरों में झगड़े चल रहे हैं, इलम एक दूसरे के ऊपर करा देते हैं लोग, वो इंशाल्लाह हमारे वहाँ पे हम चिल्ला काटते हैं और 2 मिनट में उनका जो है ना ख़त्म कर देते हैं। कोई ऐसा बात नहीं है, फिर सभी लिल्ला करते हैं, पैसे वैसे नहीं देते हम किसी से। कौन सा ऐसा मसला होता है जिसके लिए समंदर में चिल्ला काटना पड़ता है? और कितने दिन का तकरीबन जो है वो समंदर में दौरानिया कितना होता है चिल्ला काटने का? समंदर में चिल्ला 40 दिन का भी होता है, 2 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है। वो आदमी के ऊपर होता है कि अभी उसको 40 दिन का करना है या 2 महीने का करना है। तो इस तरीके से मतलब ये वहाँ सुकून होता है, कोई आता नहीं है, कोई परेशान नहीं करता, चिल्ले में खलल नहीं पड़ता। और जगह पे हम चिल्ला नहीं कर सकते, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो हमारा चिल्ला जो है ना ख़त्म हो जाता है। वहाँ कोई नहीं आता, जो हम रहते हैं समंदर में वहाँ अल्लाह का शुक्र है अपना आराम से चिल्ला पो कर लेते हैं। उसमें लोगों का फ़ायदा, हमारा भी तो है मगर लोगों का फ़ायदा है उसमें। वक्त क्या होता है, मतलब आधी रात को या दिन के वक्त, किस वक्त वहाँ पे चिल्ला काटने का टाइम क्या मुकर्रर किया हुआ है आप? हमने रात का किया हुआ, दिन को तो हम अपनी रोज़ी करते हैं, सारा दिन हम इधर होते हैं, 8-9-10 बजे चिल्ले पे वहाँ पे जाते हैं, फिर रात के 11-12 बजे हम चिल्ला करते हैं। रात को 2-3 घंटे ऐसे बैठते हैं, टाइम लगा एक फिक्स कर लेते हैं कि 2 घंटे बैठना है, 3 घंटे फिर रोजाना 2-3 घंटे ही बैठते हैं। हर इल्म करने का कोई ना कोई तरीका होता है। काला इल्म जो है वो और 10 चीज़ों से जो है वो किया जाता है, मुर्दा जानवरों से, खून से, हड्डियों से, इंसानी हड्डियों से। तो ये इल्म किस तरीके का है और किस तरीके से किया जाता है? वो उनके इल्म में हमारे इल्म में फ़र्क है, वो सतानी इल्म में हमारा नूरानी इल्म में हमारे उस्तादों का दिया हुआ होता है। और ये हम किसी को बता भी नहीं सकते क्योंकि इसके जो फिर असरात ख़त्म हो जाते हैं। और ये खामोशी से जंगल के अंदर किया जाता है, जैसे हमारे उस्ताद लोग बोलते हैं उस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। और इसमें इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो काले इलम ये वो तो गंदे इलम है, वो जहाँ मर दिया कर लो बैठ के, ये पाक जगह पे होता है। ख्वाजा खजर है, समंदर है, पाक जगह, वो पाक इलम पाक जगह पे होता है। वो नापाक इलम है, वो नापाक जगहों पे होते हैं, वो समंदर में नहीं होते। हर चीज़ का हम लोग चिल्ला काटते हैं, वो जिस तरीके का मरीज़ देखते हैं ये इलम के उसमें आया तो उसे इलम से हम निपटते हैं। अगर कोई असरात वाला होता है तो फिर उसके ऊपर असरात का वो जो चिल्ला करते हैं उसके हिसाब से करते हैं। वो हमारे उस्तादों का बताया हुआ है, अब हम तो नहीं बता सकते कि क्या इलम है।
अच्छा, सारा ये इल्म करते हुए, ये सारी चीज़ें करते हुए कभी आपकी जान को नुकसान हुआ है? किसी तरीके का नुकसान किसी मखलूक ने आपको पहुंचाया है? नहीं, जब हम चिल्ड्रेन में अंदर होते हैं तो फिर कोई चीज़ हमारे को नुकसान नहीं दे सकती है, क्योंकि उधर हम होशियार होते हैं, हमारे पास हर चीज़ का बंदोबस्त होता है। ऐसे कभी जैसे चिल्ला नहीं काट रहे हैं, जंगल में हम रहते हैं तो बदरुओं से हमारे टक्कर हो जाती है, पर हमारे पास इलम है, अल्लाह का शुक्र है, हम उनको मार के भगा देते हैं, उनको नज़दीक नहीं आने देते। मखलूक तो हमारे से बहुत सी हैं, तंग करती थी, लड़ाई करती थी, पर अल्लाह का शुक्र है, हमारा अल्लाह का कलाम है, हम भी लड़ते थे और उनको हम भगा देते थे। आप देख सकते हैं जिन्नातों को? हाँ, देख सकते हैं, मगर क्या है कि वो हमारे को नुकसान नहीं देते, हम भी नहीं देते। जो नुकसान देते हैं फिर हम उनसे लड़ते हैं, वो अपनी ताकत दिखाते हैं, हम इलम की ताकत दिखाते हैं, इलम हमारा जोर है, वो जिन्नात कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भी अगर चली जाएँ दो चार दिन में आ जाएँ मेरे पास समंदर में, तो आप भी उनको भगा देंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। उनका सिर्फ एक दबदबा होता है, लोग डरते हैं, खौफ ज़्यादा होते हैं, उनकी कोई ताकत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो ऐसे ही होता है, जब हम इलम पढ़ते हैं भाग जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थे वो बाबा जी जो पिछले 15 सालों से समंदर में रह कर इल्म कर रहे हैं। इनका ये दावा है कि इनके इल्म से किसी को नुकसान नहीं पहुँचता और ना ही ये इल्म काले इल्म में शुमार होता है, बल्कि इनके इल्म से हज़ारों लोग अब तक फ़ायदा उठा चुके हैं।